ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए विशेष चर्चा, पोषण पखवाड़े से बेहतर होता माताओं और बच्चों का स्वास्थ्य। इसमें भाग ले रहे हैं पोषण विशेषज्ञ डॉक्टर प्रीति पंत और आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। हम सबके जीवन में पोषण की महत्ता जग जाहिर है। पोषण की अहमियत को समझते हुए सरकार पोषण अभियान चला रही है। 21 मार्च से लेकर 4 अप्रैल तक पूरे भारत वर्ष में चौथा पोषण पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य पोषण संबंधी परिणामों में सुधार करना है, महिलाओं खासकर गर्भवती महिलाओं और बच्चों को पोषण भरा आहार मिले इसलिए उन्हें जागरूक करना है। इस अवसर पर ढेर सारे कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। प्रीति जी, आपसे ये समझना चाहेंगे कि सरकार का जो पोषण अभियान है उससे कितना बदलाव आपने बीते वर्षों में महसूस किया है, खासकर अगर गांव की बात करें तो। भारत सरकार द्वारा कुपोषण को दूर करने के लिए चरणबद्ध तरीके से पोषण अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती माताओं और लैक्टेटिंग मदर्स यानी कि जो स्तनपान कराने वाली माताओं के स्वास्थ्य और पोषण में सुधार हेतु एक मिशन का गठन किया गया, जिसको राष्ट्रीय पोषण मिशन कहा गया। इसमें जो है बच्चों को अल्प पोषण से बचाव के लिए या उनकी जो बौनेपन, जन्म के समय जो बौनेपन है उससे बचाव के लिए, एनीमिया से बचाव के लिए और किशोरियों, गर्भवती माताओं और दुग्धपान कराने वाली माताओं में एनीमिया की समस्या कम करने के लिए और कम वजन के साथ बच्चे जो जन्म लेते हैं उनकी संख्या में कमी लाने के लिए ये प्रोग्राम की शुरुआत की गई। क्योंकि ये प्रोग्राम जो है चल रहा है तो इनके स्वास्थ्य में सुधार आया है पहले से, और जितनी भी गर्भवती माताएं हैं या किशोरियां हैं या बच्चे हैं उनके माताओं को इसके बारे में जागरूक किया गया। जो बच्चे हैं, खासकर ये देखा जाता है कि बच्चों में जो संतुलित आहार की कमी के कारण उनका सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता है, और जब छोटे बच्चे होते हैं अगर उस समय उनको पोषण युक्त आहार न मिले तो पूरा भविष्य ही उनका अंधकारमय हो जाता है। इसी सोच को लेकर ये जो पोषण अभियान चलाया जा रहा है, बच्चों में कितना परिवर्तन आप देखती हैं और खासकर अभिभावकों में कितना बदलाव आया है सोच के स्तर पर, अगर हम बात करें कि अपने बच्चों को अब हमें संतुलित आहार ही देना है? देखिए, बहुत सी योजनाएं हैं जो सरकार की इस अभियान के तहत चलाई जा रही हैं, जैसे कि लाडली लक्ष्मी योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना, समेकित बाल विकास परियोजना है, पोषण अभियान के बारे में हम बात कर ही रहे हैं, समेकित बाल संरक्षण योजनाएं हैं। तो इन योजनाओं के तहत जितनी भी माताएं हैं उनको जागरूक किया गया, तो उन माताओं में, किशोरियों में ये चीज उन लोगों को समझ में आई है कि हाँ, हमको खुद को भी जब हम गर्भवती हैं उस वक्त हमको पोषण की आवश्यकता है, क्योंकि अगर उस वक्त पोषण पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो जन्म लेने वाला जो बच्चा है उसमें पूरा पोषण नहीं होगा और उसका पूरी तरह से विकास नहीं हो पाएगा। तो इन माताओं में, किशोरियों में, स्कूल स्तर पर, आंगनवाड़ी स्तर पर जितने भी प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं उसकी वजह से उनमें मानसिक स्तर है उसमें बहुत सुधार आया है पहले से, जिससे कि वो अपने न्यूट्रिशन पर ध्यान दे रही हैं, अपने पोषण पर ध्यान दे रही हैं और साथ ही साथ अपने बच्चों के पोषण पर भी ध्यान दे रही हैं। प्रीति जी, जब भी पोषण की बात होती है सबसे पहले चीज जहन में आती है वो है भोजन। हमारी थाली में वो क्या क्या होना चाहिए जिससे हमें पूरा पोषण मिल सके, चाहे वो कामकाजी लोग हों, चाहे छोटे बच्चे हों, चाहे महिलाएं हों। चूंकि आप पोषण जैसे विषय पर बहुत ही बड़े पैमाने पर लोगों को ट्रेनिंग देती हैं, आप क्या कहेंगी? पोषण का अर्थ अगर हम कहें तो अर्थ है कि पोषक तत्वों से भरपूर भोजन। और जब हम पोषक तत्वों की बात करते हैं तो उसमें जो तत्व हैं वो प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट है, वाटर है। तो ये चीजें जो हैं पोषक तत्व में आती हैं, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी हैं किसी भी व्यक्ति के, चाहे वो बच्चा है या वो किशोरावस्था का है या वयस्क है या वृद्ध है। तो उन सबके स्वास्थ्य के लिए और उनकी सामान्य वृद्धि के लिए पोषण तत्वों से भरपूर भोजन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगर हम भोजन की बात करते हैं तो पोषण के आधार पर भोजन को 3 तरह में बांटा जाता है, जो कि एनर्जी यील्डिंग यानी कि जो ऊर्जा देते हैं, बॉडी बिल्डिंग यानी जो शरीर को बनाने के लिए कार्य में आते हैं, और प्रोटेक्टिव फूड यानी कि जो हमारी शरीर की इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के काम में आता है। तो जब हम एनर्जी यील्डिंग खाने की या ऊर्जा देने वाले खाने की बात करते हैं तो उसमें जो पोषक तत्व हम लोग लेते हैं वो फैट यानी कि वसा और कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। बॉडी बिल्डिंग यानी जो हमारे शरीर की सेल्स को बनाने का कार्य करते हैं, जैसे हमारी मसल्स को बनाने का कार्य करते हैं, तो उसमें पोषक तत्व हम लोग प्रोटीन लेते हैं। और प्रोटेक्टिव फूड यानी जो
हमारी इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के काम में आते हैं वो पोषक तत्व हैं विटामिन और मिनरल। अगर हम फैट की बात कर रहे हैं तो फैट हमें घी से और मक्खन से मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट हमको चावल से मिलता है, आलू से मिलता है, गेहूं से मिलता है, और अगर हम प्रोटीन की बात करते हैं तो दालें सबसे अच्छा स्रोत जो है प्रोटीन का वो दालें हैं, और विटामिन और मिनरल्स जो है वो हमको फल और सब्जियों से मिलते हैं। खाने की जो भोजन की जो थाली है हमारी वो रंग बिरंगी होनी चाहिए, कलरफुल थाली की हम बात करते हैं कि उसमें हर कलर का, जितनी ज्यादा कलरफुल थाली हमारी होगी उसमें, यानी कि हम इन सारे ही पोषक तत्वों को अपने खाने में ले रहे हैं, और ये सारे ही तत्व जो हैं वो हमारे शरीर को ऊर्जा दे रहे हैं, हमारे शरीर की सेल्स को बनाने का कार्य कर रहे हैं और हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने का काम कर रहे हैं। और एक बात जो मैं कहना चाहूंगी, जैसे अभी हम लोग कोरोना के द्वार से गुजरे हैं तो इस कोरोना पीरियड में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात जो हम लोगों को समझ में आई है वो इम्यून सिस्टम का डेवलप होना, इम्यूनिटी हमारी मजबूत होना, और ये चीज हमें पता चली है कि विटामिन और मिनरल्स हमारे खाने में जितने अच्छे होंगे, प्रोटीन जितना अच्छा हम मात्रा में, हमारी जितनी शरीर को आवश्यकता है उतने जितने अच्छे उसमें हम ये पोषक तत्व लेंगे तो हम इन किसी भी तरह की महामारी से अपने शरीर को बचा सकते। डॉक्टर प्रीति, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि वर्तमान सरकार ने मौजूदा बजट में पोषण 2.0 के लिए और भी धनराशि जोड़ने की बात कही है, बहुत सारे क्षेत्रों में नए आयाम देने की बात कही है, थोड़ा उसके बारे में भी हमारे श्रोताओं को बताइए। पोषण अभियान 2.0 के अंतर्गत लगभग 20,000 करोड़ का बजट भारत सरकार ने रखा है, और इसके लिए जो मुख्य उद्देश्य है वर्ष 2022 तक कुपोषण मुक्त भारत का निर्माण करना है, और लगभग 10 करोड़ लोगों को इसके लाभ पहुंचाने का अभियान है, इसका जो लक्ष्य है। अभियान की कुल लागत का 50% हिस्सा बजटीय समर्थन के माध्यम से दिया जा रहा है, जबकि शेष 50% हिस्सा विश्व बैंक तथा अन्य बहुपक्षीय विकास बैंकों द्वारा दिया जा रहा है। बजटीय समर्थन के माध्यम से दिए जा रहे हिस्से को तीन भागों में बांटा गया है। पहला भाग है पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए, 90% और 10% का जो अनुपात है उसमें 90% केंद्र द्वारा दिया जा रहा है और 10% राज्य द्वारा। दूसरा, इसमें मुख्य बिंदु के बिना विधायिका के केंद्र शासित प्रदेशों की स्थिति में 100% बजट का हिस्सा केंद्र द्वारा दिया जा रहा है, और तीसरा बिंदु है कि अन्य राज्यों की स्थिति में 60:40 जिसमें 60% केंद्र द्वारा दिया जा रहा है और 40% अन्य राज्यों द्वारा दिया जा रहा है। तो अगर हम इन चीजों को ध्यान में देख करके कर रहे हैं तो यह है कि हमारी जो भारत सरकार है वो इसमें एक बहुत अच्छा बजट इसमें रखा है, और देश के प्रत्येक राज्य और प्रत्येक जिले को कुपोषण मुक्त बनाने के लिए कार्य। आने वाले समय में जो ये अभियान चल रहा है उससे पूरे भारत में कितना बदलाव आने की आप उम्मीद देखती हैं? विभिन्न केंद्रों के साथ ये अभियान चलाया जा रहा है, जैसे आंगनवाड़ी केंद्र हैं, आशा, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक केंद्र, सहायता समूह और विद्यालय, यानी कि जितने भी केंद्रों के साथ में सहायता से ये अभियान चलाया जा रहा है, यानी कि गांव के बिल्कुल अंतिम व्यक्ति तक ये अभियान चलाया जा रहा है, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को कुपोषण से मुक्त किया जा रहा है। और आंगनवाड़ी केंद्रों की अगर हम बात करेंगे तो उसमें ये अभियान में है कि जो बच्चे हैं उनका वजन नापा जाए, महिलाओं में जल प्रबंधन की, जल संरक्षण की, वर्षा जल संचयन की ये जागरूकता आए, उनमें अनीमिया को दूर किया जाए, माँ और बच्चे को स्वस्थ किया जाए, पारंपरिक भोजन को किस तरह से बढ़ावा दें और जिससे कि प्रत्येक व्यक्ति को उन भोजन के बारे में बता करके और इस कुपोषण से उनको दूर किया जाए। डॉक्टर प्रीति, आकाशवाणी से जुड़ने के लिए और विशेष चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे पोषण पखवाड़े से बेहतर होता माताओं और बच्चों का स्वास्थ्य। इसमें भाग ले रहे थे पोषण विशेषज्ञ डॉक्टर प्रीति पंत और आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं, पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।